गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हमारा कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट को ज़रूर बताइए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। मोनोपोलिस्ट क्या होता है, मैंने हमेशा बताया है, देखिए मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली, ठीक है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर सेलर, ठीक है। तो मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर सेलर, तो एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोली मार्केट, और जो मोनोपोली मार्केट को चला रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोलिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मोनो क्या होता है, सिंगल, पोली सेलर, तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर, इसको हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, और जो मोनोपोली मार्केट में जो चला रहा है उसको मोनोपोली मार्केट को उसको हम लोग बोलते हैं, जो सेलर है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोलिस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट प्लांट मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट, ठीक है। देखिए मोनोपोलिस्ट यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट से मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मैक्सिमम होता है, कल हम लोग ने एक डायग्राम किया था जिसमें इसी मतलब ऐसे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो हम लोग ने किया था। यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, बस एक ही रीज़न है, एक ही मतलब पॉइंट है, उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा या फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कंडीशन पढ़ा हुआ है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, आप देखिएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने मार्केट पढ़ा है, मोनोपोली मार्केट में आपको मिलेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिलेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल होता है मार्जिनल प्रॉफिट, ठीक है, मतलब ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ये तो आपका नहीं होगा कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, यहाँ पे देखिए दोनों मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो नहीं हो सकता है, इसमें भी दोनों मार्जिनल कॉस्ट, देखिए एमसी क्या है, ग्रेटर है, एमसी वन इज ग्रेटर देन एमसी टू, ये भी नहीं होगा, एमसी वन इज इक्वल टू एमसी टू इज इक्वल टू एमआर, मतलब कि बात वही है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, इस सिचुएशन में आपका होगा, ये सिचुएशन में आपको होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, जब मार्जिनल कॉस्ट, जितना कॉस्ट लग रहा है उतना ही रेवेन्यू है, इस सिचुएशन मार्जिन कॉस्ट के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू है, इस सिचुएशन में क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम लोग यहां पे करते हैं कि अब मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पे इकोनॉमिकली इफिशियंट, ठीक है, ये क्या है, एफिशियंट है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एफिशियंट मार्केट है। तो एफिशियंट मार्केट कब होगा, आप अगर अपनी आप नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे, एफिशिएंट मार्केट कब होगा, जब कंज्यूमर को भी फायदा होगा और प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, मतलब कि अगर कंज्यूमर दुकान में जाए, वो कोई सामान को खरीदे, वो सेटिस्फाइड है, वो जितना मनी दे रहा है, ठीक है, मनी पेमेंट कर रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड है, उतना का उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है जो सामान दे रहा है वो भी सेटिस्फाइड है कि हमको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि मार्केट क्या एफिशिएंट है, ठीक है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, मतलब कि कंज्यूमर का भी फायदा होना चाहिए और प्रोड्यूसर का भी फायदा होना चाहिए, जब दोनों का प्रॉफिट होगा
तो इसको बोलते हैं मार्केट इस सिचुएशन में क्या होगा, एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिकली एफिशिएंट होगा, ठीक है। मतलब कंज्यूमर का भी सरप्लस होना चाहिए, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट होना चाहिए और प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट होना चाहिए। इस सिचुएशन में मार्केट क्या होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस, ये नहीं होगा, सिर्फ कंज्यूमर को फायदा होगा, प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या मार्केट एफिशिएंट हो सकता है, नहीं होगा। तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। अब देखिए सिर्फ दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है और कस्टमर को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या दुकान जो भी कस्टमर है दोबारा से आपके पास आएगा, क्या वो दोबारा से उस दुकान में जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों को प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं है। फिर इसके बाद है एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, जब कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी दोनों को प्रॉफिट होता है, इस सिचुएशन में मार्केट इकोनॉमिकली क्या है, इकोनॉमिकली यहाँ पे एफिशिएंट है। तो आंसर होगा आपका सी, एग्रीगेट मतलब कि दोनों को मिला के दोनों को फायदा हो रहा है, तो आंसर इसका सी होगा। अब मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड डिमांड एक साइड सप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला ये वाला एरिया है ये पूरा, ठीक है, ये वाला एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है, मतलब कि दुकानदार जो बेच रहा है उसको फायदा हुआ, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस जो खरीद रहा है उसको फायदा होगा। देखिए ये वाला एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस, मैं सी एस लिख दे रही हूँ। ऊपर वाला एरिया क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है, नीचे वाला एरिया क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस है, ठीक है, दोनों का सरप्लस। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है आपका फुल, ऊपर का जो एरिया होगा ये वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस, नीचे वाला एरिया क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अब ये चीज हम लोग डायग्राम भी देख लिए। अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना हो, मैंने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया हुआ है इसका थ्योरी, और इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको करने होंगे, न्यूमेरिकल्स कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के, तो आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, मैंने मैथमेटिकल सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसका, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स शायद इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स, आप उसमें जाएंगे तो आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हुए बहुत सारे, मतलब बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स है, उसमें कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं अजर्सन और रीजन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सैक्रीफाइस, ये प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या है। देखिए जब आपका इनकम है सपोज करिए 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है, तो आपको सपोज करिए 5% टैक्स लग रहा है, ये हम लोग मान रहे हैं सपोज कर रहे, ठीक है, कि आपका जब इनकम है 1 लाख तो आपको 5% टैक्स लग रहा है। अब आपका इनकम हो गया हम रख लेते हैं 1.5 लाख, ठीक है, जब आपका इनकम 1.5 लाख हो गया तो आपका जो टैक्स है वो 8% हो गया, मतलब कि इनकम के बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, इनकम के घटने, मतलब इनकम आपका कम रहेगा तो टैक्स भी कम रहेगा, इनकम जब बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा, तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल सैक्रीफाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रीजन कि हायर द इनकम लोअर विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द टैक्स पेयर। सही बात है, जब आपका इनकम ज्यादा होगा, ठीक है, टैक्स आपको ज्यादा लगेगा तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है, फॉर दी जो टैक्स पेयर है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखिए कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स क्या है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जहां पे इनकम कम रहेगा तो कम टैक्स, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो जब इनकम बढ़ने से टैक्स जब बढ़ रहा है तो जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, टैक्स पेयर्स हैं उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी, जब वो ज्यादा टैक्स पे कर रहे तो उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका ए एंड आर दोनों सही है, और आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
आंसर आपका इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किए हैं, और सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में जाते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर करना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर भी करिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।